हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग डायरेक्ट रात से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी रात के करीब 12 बज रहे हैं, सुबह के 12। आज की तारीख है 10 तारीख। तो कल के व्लॉग में मैं जैसे आपको बताया था कि आज के व्लॉग में मैं एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तो सरप्राइज़ ये है कि आज सुदीप भाई का बर्थडे और हम लोग यहाँ पर बस बैठे हैं आग जला के। अभी सुदीप भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है रात के 12 बजे वाला। घर के सारे फैमिली तैयार हो चुके हैं, मतलब सब लोग रात के 12 बजे ऐसी तैयारी कर रहे हैं जैसे कि दिन में अभी सेलिब्रेशन हो रहा है। मम्मी मौसी वगैरह जो लोग हैं सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस, कैसे, मुझे पता ही नहीं था कि सुदीप का बर्थडे है। मुझे बस कल के रात में मुझे बताया गया कि यहाँ पर सुदीप भाई का बर्थडे है, तो फिर फटाफट रात में जाके केक वगैरह लेके आए। केक भी फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। केक वगैरह लाने के बाद फिर सभी काटेंगे एक साथ और सुदीप भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे अच्छी तरीके से। मेरा घर में भी एक मैसेज है। नहीं नहीं फूफी, दरा 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 कुर्बानी थामो। अबे क्या, चलो कर, नहीं चलो कर, केक काट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुदीप देवा, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक केक तो नॉर्मल। हैप्पी बर्थडे। हां बस बस बस, नहीं बर्थडे लगाई दे ना, फैलाई दे सब एकुलर टू। अरे बाप रे, बेना ने जोल दी, शैंपू लगाई से। अमृता ये आ जा। हैप्पी बर्थडे हीरो। तो गाइस, फाइनली अभी पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है। सभी अभी केक खाने में बिजी है। सभी लोग रात के 12 बजे मेकअप किए हैं। ये मौसी, ये सुदीप की मम्मी है, बड़ी मौसी है सबसे। ये देखिए कैसे मेकअप किए है रात के 12 बजे। ये मौसी, ये मेरी मम्मी, तीन ही लोग मेकअप किए है, बाकी कोई नहीं। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। रात में हमने सुदीप भाई का मस्त बर्थडे सेलिब्रेशन किया। बर्थडे सेलिब्रेशन करने के बाद मैं सुबह एकदम 6 बजे उठ गया था। हम रात में करीब 1:30-2 बजे सोए थे और सुबह 6 बजे उठ के मैं आया मुंतज मामा के घर पे, मतलब आष्टी में। और आष्टी में यहाँ आने के बाद कल का जो व्लॉग था वो पूरा मैं अपलोड किया। पूरा मेरा जो भी काम था सुबह सुबह यहाँ पर नेटवर्क में आके कंप्लीट किया। आज सुदीप के घर का प्रोग्राम, घर वास्तु का प्रोग्राम है और बर्थडे का भी प्रोग्राम है। तो गाइज, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि सुदीप का बर्थडे था। मुझे कोई भी नहीं बताया था, नहीं तो मैं बर्थडे का बहुत अच्छी तरीके से अरेंजमेंट वगैरह करता था। मुझे पता ही नहीं था, जिसके कारण ऑन टाइम पे हम आष्टी आए रात में केक लेने के लिए। तो आज मस्त प्रोग्राम होने वाला है सुदीप के घर पे और ये वाला ब्लॉग बहुत जोरदार बनने वाला है दोस्तों। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखते रहिए। और मंतोष मामा को क्या दिखा, वो तो अभी सुबह सुबह तैयार होने में फ्रेश वगैरह हो रहा है, उसको ड्यूटी भी जाना है। तो गाइज, मैं अभी निकल चुका हूँ आष्टी से गाँव के तरफ, बस कार बांधने के लिए रुका था। गाइस, फाइनली मैं अभी घर आ चुका हूँ और घर आने के बाद पूरा काम धंधा अभी चालू हो चुका है, प्रोग्राम का अरेंजमेंट। ये देखिए, यहाँ पर चिवड़ा चालू है, दाड़वांगा चालू है बनाना। दाड़वांगा बनाना चालू है। मौसी बना, ये मेरे मामा और मौसी। तो गाइज, यहाँ पर अभी पूरा डेकोरेशन का प्लानिंग चल रहा है। चेयर वेयर ला लिए, यहाँ पे अभी पर्दे वर्दे लगाना है, यहाँ पर्दे लगेंगे। तो गाइस देखिए, गांव के सभी लोग अभी जमा हो गए और नाश्ता कर रहे हैं सभी। सुदीप भाई अभी सभी को चाय बांट रहा है। तो गाइस अभी देखिए, पर्दे लगना स्टार्ट होगा, ये पूरा रोड अभी पर्दा लग जाएगा। तो गाइज, अभी फाइनली डेकोरेशन का पूरा काम हो चुका है। पर्दे वर्दे हमने सभी गांव के लोग मिलके लगाए पूरे पर्दे। हमारा ज़्यादा काम नहीं था, गांव के लोग बहुत हेल्प किए और यहाँ पर पानी का कैन भी आ गया, पूरा सेटअप हो गया है अभी। तो गाइज, घर में अभी खचाखच मेहमान भरे हुए हैं, पूरा घर पैक है। और चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या अभी प्रोग्राम चल रहा है, कहाँ कहाँ क्या काम चल रहा है, सब दिखाता हूँ। चलिए, उस तो भी खाना बनाना चालू है मौसी। ये देखिए, कितने सारे मसाले बनाना चालू है, यहाँ पर सभी लोग बिजी है।
तो सुदीप भाई के बर्थडे के स्पेशल में सुदीप भाई ने कुर्ता पहन के हीरो बन गया है सुदीप पूरा। और अभी बाहर चल के देखेंगे बाहर का क्या हाल चाल है। अभी मैं और नींबू जहाँ पर खाना बन रहा है, पूरे गांव के लोगों का खाना है वहाँ, हम मैं और नींबू जाके देखेंगे खाना बराबर बन रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर अभी पूरा सब्जी भाजी काट के पूरा रखे, अदरक लहसुन ये सब कुछ अलग अलग जो भी है सब यहाँ तैयार है। और ये रहा बैगन, यहाँ दाल वाल सब चढ़ा कर दाल चावल और ये बैगन की सब्जी बनेंगे आज रात में। ये सभी अंकल लोग यहाँ पर खाना बना रहे हैं। ये साइड रोटी बनाना चालू है, ये देखिए रोटी। आप लोग रोटी बना रहे हैं ना तो वीडियो बना रहा हो। तो गाइज अभी नहाने का टाइम हो चुका है, मैं भी नहा के तैयार हो जाता हूँ जल्दी से। तो गाइज अभी कैसे सुदीप भाई रेडी हुआ था तो फिर से अभी ये ड्रेस चेंज कर रहा है क्योंकि हमको थोड़ा आष्टी जाना है, आष्टी में एक सामान लेने जाना है। तो मैं अभी हाफ पैंट में जाऊंगा क्योंकि मेरा ड्रेस थोड़ा सा गीला है तो स्लैब में सूखने को दिए। और यहाँ पर देखिए छोटी बहन आई है संदीप ग्राम की, ये देखिए तो गाइस देखिए अभी मेरे दोनों छोटी बहनें यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं एक दूसरे यहाँ पर ये लोग बदक देखे तो बदक के साथ मस्ती कर रहे हैं। दो डक दो डक दो डक दो। फाइनली हम घर आ गए और यहाँ प्रोग्राम चालू है और यहाँ देखिए सुदीप यहाँ पर पूजा कर रहा है। नींबू तो गाइज देखिए फाइनली अभी खाना पीना शुरू हो चुका है, जिन लोगों को जल्दी जाना है वो लोग अभी खाने के लिए बैठ चुके हैं। ये देखिए ये लोगों को जल्दी जाना है इसलिए ये लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। अभी तो पूरा गांव बाकी है आने के लिए खाना खाने के लिए। तो गाइस अभी गांव की पंगत बैठी है और देखिए पूरे लेडीज लोग बैठे हैं, कितना भीड़ हो के अभी पूरे गांव के लोग खाना बांट रहे हैं क्योंकि पूरे गाँव के लोग अभी बैठे हैं ना तो पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गए। तो गाइस अभी वाला पंगत देखिए कितना लंबा बैठा है, अभी गाँव के लोग आना शुरू हुए हैं ना तो अभी सिर्फ लेडीज ही ख़त्म नहीं हुए। और कितना लंबा पंगत है देखिए, यहाँ वो पैंडल से लेके यहाँ तक।